हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिवाकर, प्लेट कितनी बार साफ करोगे आप? वो बिल्कुल साफ है। अरे तुमको मालूम नहीं पैमेला, कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देते, इसलिए जितनी बार साफ करो कम है। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन अब सारे कीटाणु मर चुके हैं, अब साफ हो चुकी है प्लेट, अब खा लीजिए आप। ए, रुको रुको रुको, तुम नहीं, चलो अरे हो जाओ, हट जाओ, दोबारा मेरे सामने मत आना। कितनी बार बोले तुमको बताई पैमेला, पैमेला। ठीक है, मैं सर्व कर देती हूँ। थैंक यू पैमेला, खा लीजिए। अच्छा है ना? योर ग्रीन टी सर। रख दिया, अभी हटो 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 यहां से, दूर हो जाओ, दोबारा मेरे नजदीक मत आना। बोल बोल के थक गया होता है। लो मैं सर। मैं करता हूँ पैमेला, चाय पीने भी आती है और बनाने भी। ये चाय इतनी गर्म क्यों है? मेरा हाथ जलाना चाहते हो? मुझे जान से मार डालना चाहते हो? सर चाय तो गर्म ही होगी ना। क्या कहा? मुझसे जबान लड़ाता है? तुमको मालूम नहीं मैं खोलू? तमिला, अभी के अभी इसे नौकरी से निकाल दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप शांत हो जाइए, मैं इसको अभी निकाल देती हूँ। सेतु, इस वक्त जाओ यहाँ से। हटा दिया। दिवाकर, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? कौन मारना चाहेगा आपको? और जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई नहीं मार सकता। मैं हूं ना आपकी देखभाल के लिए। दिवाकर, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? दिवाकर, दिवाकर क्या हो रहा है आपको? अरे पानी दो जल्दी से, दिवाकर जल्दी, दिवाकर बोलो, ड्राइवर को बोलो जल्दी से गाड़ी निकाले, जल्दी। भरोसा रखे मैम, सब ठीक हो जाएगा, हमारे साथ को कुछ नहीं होगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। मेरे पति कैसे हैं? ऑपरेशन ठीक हुआ ना? ठीक है ना वो? माफ कीजिएगा, मगर हम आपके पति को बचा नहीं पाए। बचा नहीं पाए? सर क्या क्या कह रहे हो आप? एक बार फिर से जाकर देखिए ना उनको। देखिए, आपके पति की मौत हो चुकी है और उनकी मौत की वजह थी फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर साहब, ये कैसे संभव है? वो तो साफ सफाई का इतना ध्यान रखते थे, सब्जी वो कितनी बार धुलवाते थे, 10-10 बार प्लेट को रगड़ रगड़ कर साफ करते थे, बार बार अपने हाथों को धोते थे। डॉक्टर साहब, ये संभव नहीं है, कोई दूसरी बात होगी कुछ। देखिए, कोई और बात नहीं है, हमने तो पूरी कोशिश की लेकिन उनकी मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से ही हुई। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मेरे पति के साथ कुछ? कैसी बातें कर रही है मैडम? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा है लोगों की जाने बचाना, जाने लेना नहीं। देखो डॉक्टर साहब, मैं इस बात के तह तक जरूर जाऊंगी, CID को बुलाऊंगी मैं यहाँ पर। 27 अक्टूबर संडे हॉलीडे। क्या हो रहा है फ्रेडी? सर आप कब आए? बस अभी आए। वैसे ये 27 अक्टूबर संडे हॉलीडे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कोई बात तो जरूर है, 27 अक्टूबर को कुछ तो है। कुछ नहीं सर। कहीं 27 अक्टूबर को भाभी जी का जन्मदिन तो नहीं है? उसका बर्थडे तो 11 अगस्त को आता है। भाभी जी का जन्मदिन 11 अगस्त को आता है? तो फिर किसी खास दोस्त के साथ लोनावाला खंडाला जाने का प्लान तो नहीं है भाभी जी को बिना बताए? वाइफ को बिना बताए मैं सब्जी खरीदने नहीं जाता, लोनावाला खंडाला तो बहुत दूर की बात है। क्या सुन रहा हूँ मैं? असल वो फ्रेडी 27 अक्टूबर को लोनावाला जा रहा है।
किसकी परमिशन से? नहीं सर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर सर 27 अक्टूबर को संडे है, छुट्टी का दिन है, तो सोनी पिक्स पे स्काई फॉल नाम की फिल्म का प्रीमियर है सर। स्काई फॉल? वो जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म? हाँ सर, जेम्स बॉन्ड की सबसे बड़ी फिल्म स्काई फॉल। भूल ना जाऊं इसीलिए मोबाइल में रिमाइंडर डाल रहा था। आप लोग भी जरूर देखना स्काई फॉल। जरूर देखेंगे स्काई फॉल। हेलो, ये सीबी प्रद्युमन है क्या? कहां पर? आप पैमेला जी हैं? आप ही ने हमें फोन किया था। जी सर, मैंने ही बुलाया था आपको फोन करके। सर, डॉक्टर साहब का कहना है कि मेरे पति की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। पॉइजनिंग से? जी सर, लेकिन सर मुझे लगता है कि जरूर डॉक्टर साहब ने ही मेरे पति को कुछ किया है। देखिए सर, ये मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने मरीज का बुरा क्यों चाहूंगा? पैमेला जी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि डॉक्टर साहब ने कुछ किया आपके पति को? सर, मेरे पति दिवाकर को एक बीमारी थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। सर, उसकी वजह से उन्हें लगता था कि घर में हर जगह गंदगी है, कीटाणु है। इस वजह से हमें घर की साफ सफाई बार बार करवानी पड़ती थी, खासकर खाने पीने की चीजें, सब्जियां, प्लेटें, हर चीज का बहुत ध्यान रखा जाता था। अब सर आप लोग ही बताइए, इतनी साफ सफाई के बावजूद मेरे पति को फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? सर पैमेला जी प्लीज, अब जरा शांत हो जाइए। देखिए, हम इस केस की आपके पति की मौत की पूरी तहकीकात करेंगे, पता लग ही जाएगा उनकी मौत हुई कैसे। आप खुद ही देख लीजिए सर, किचन कितना साफ है। अंदर आने से पहले हम लोग अपने जूते चप्पलें बाहर उतार देते हैं। एक एक बर्तन, एक एक सब्जी पांच पांच बाहर धुली जाती है, और जिस पानी में खाना बनता है और जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे फिल्टर से निकाल कर पहले उबाला जाता है, उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब, दिवाकर जी के लिए जो खाना बनता था पहले हम चारों से चेक कर देखते थे कि ये खाना सुरक्षित है या नहीं, फिर उनके लिए परोसा जाता था साहब। हाँ सर। उनकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं था, कोई हाथ नहीं। इतना सब करने के बावजूद भी दिवाकर जी की मौत किसी साधारण तरीके से नहीं हुई है, समझे? किसी ना किसी का तो हाथ जरूर है उनकी मौत में। सर, किसका हाथ हो सकता है? उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। कोई तो था पैमेला जी, वरना एक अच्छे भले आदमी का ऐसे अचानक दम तोड़ देना, ये बात विश्वास करने लायक लगती नहीं है, वो भी इतना परहेज और सावधानी रखने के बाद। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं। तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? कुछ छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं साहब। आप, लगता है आपको कुछ मालूम है, है? किसी पे शक है आपको? नहीं सर। देखिए, छुपाने से कोई फायदा नहीं है, मालूम है तो बता दीजिए। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। सर, ये रामू काका है, बहुत सालों से हमारे घर पर काम करते हैं, आप सबको देखकर थोड़ा सा घबरा गए हैं बस। अच्छा, हमें देखकर रामू काका घबरा गए? कोई बात नहीं, जल्दी पता चल जाएगा दिवाकर जी की मौत कैसे हुई और किसने की। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? तारिका, इस दिवाकर की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये देखो, देख रही हो क्या है? ये कीड़े? मतलब इनकी मौत कीड़ों की वजह से हुई? बिल्कुल, ये देखो ये कीड़े कैसे इसके दिमाग तक, इसके मस्तिष्क तक पहुंच गए। सर ये तो वो बार्नेट ओयो। हाँ। बार्नेट ओयो नाम के कीड़े एक बार अगर किसी इंसान के शरीर में घुस जाएं तो पूरे शरीर में कोहराम मचा देते हैं। पहले पेट में घुस करके पॉइजन फैलाते हैं, फिर उसके दिल, दिमाग, लंग्स हर जगह पहुंच जाते हैं। अब समझ में आया कि उस डॉक्टर को दिवाकर जी के पेट में फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्यों दिख रहे थे।
बिल्कुल। पूरे पेट में इन्होंने जहर फैला दिया था। एग्जैक्टली exactly. और उसी कीड़े से इसकी मौत हो गई। एक मिनट साहब, क्या कहा तूने? दिवाकर की मौत कीड़ों की वजह से हो गई? हाँ बस। मैम प्लीज। हाँ बस, बार्नेट ओयो नाम का कीड़ा है। ये फल और सब्जियों के जरिए शरीर के अंदर घुसता है और अगर वक्त पर इस कीड़े को बाहर नहीं निकाला जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। हाँ फ्रेडी, खतरनाक तो है। दिवाकर जी के खाने का टेस्ट किया था ना आपने, तो कौन सी सब्जी से ये कीड़ा इनके अंदर गया? सैलेड से। सैलेड में जो पत्ता गोभी थी उसी से कीड़े गए इनके पेट में। शायद मैडम ठीक कह रही है सर, कल इन्होंने सैलेड खाया था उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन बॉस, कल की सलाद से दिवाकर की मौत नहीं हो सकती है, क्योंकि इस कीड़े को अपना जहर फैलाने के लिए 18 से 24 घंटे का वक्त लगता है। इस कीड़े को अपना जहर फैलाने के लिए 18 से 24 घंटे लगते हैं? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाकर जी ने एक दिन पहले भी सैलेड खाया था? क्या दिवाकर जी ने सैलेड खाया था परसों? जी सर, परसों भी खाया था। बॉस, एक और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये कीड़ा बार्नेट ओयो मुंबई में पाया ही नहीं जाता है। ये यहाँ नहीं पाया जाता ना? तो फिर इस कीड़े के पनपने के लिए कोई खास वातावरण की जरूरत पड़ती होगी डॉक्टर साहब? हाँ दया, इस कीड़े को जीवित रहने के लिए ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जहाँ पे बिल्कुल नमी ना हो, और क्योंकि मुंबई में बहुत नमी होती है, ह्यूमिड होता है, इसलिए यहाँ पे तो वो कीड़ा जिंदा रह ही नहीं सकता। जिंदा नहीं रह सकता? अगर ये कीड़ा मुंबई के वातावरण में पनप नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर ये कीड़ा आया कहां से और इसे लाया किसने? किसने लाया? सर आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैंने तो वो सलाद बनाया भी नहीं था। झूठ मत बोलो। दिवाकर जी का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ तुम बनाते थे, और फिर सब लोग चट्टे भी थे, और तुम कह रहे हो कि तुमने सलाद बनाया नहीं? हाँ सर, वैसे तो सब कुछ मेरी देखरेख में ही बनता है। तो फिर? पर वो सलाद मैंने नहीं सर, वो सलाद टीना मैडम ने बनाया था। टीना? हाँ सर, टीना। ये टीना कौन है? टीना हमारी भतीजी है, हमारे साथ ही रहती है। लेकिन वो आपके घर पे दिखी नहीं, है कहाँ? सर वो परसों अपनी सहेली के घर गई थी, अभी तक नहीं लौटी। तो आपने फोन करके बुलाया नहीं उसे? किया था सर, फोन लगा नहीं। बड़ी अजीब बात है, टीना दिवाकर जी की भतीजी उनके लिए सलाद बनाती है और फिर अपने दोस्त के घर चली जाती है और आज अब तक लौटी तक नहीं, और फिर उसका फोन भी बंद आता है। तो कहीं आपकी इस टीना ने? आपने हमें टीना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? दिवाकर की मौत के बाद मेरा दिमाग शायद ठीक से काम नहीं कर रहा था इसलिए। लेकिन सर आप उस पर शक मत कीजिए, उसके माँ बाप की मौत के बाद दिवाकर ने और मैंने ही पाला उसे अपनी बच्ची की तरह। वो दिवाकर के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। टीना काम क्या करती है, कहाँ करती है? एक ऑर्गेनिक फार्म में काम करती है सर, दिवाकर के लिए सारी सब्जियां वहीं से आती है। दिवाकर ने कभी बाहर की कोई सब्जी नहीं खाई थी। सर फिर तो उस पत्ता गोभी में वो कीड़ा रखने का सबसे अच्छा चांस टीना के पास ही था। वो बार्नेट ओयो कीड़ा, बार्नेट ओयो, इस कीड़े के राज तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, और वहां तक हमें ले जाएगी टीना, ऑर्गेनिक फार्म। जी साहब कहिए, किससे मिलना है आपको? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हम इस फार्म के इंचार्ज से मिलना चाहते हैं। कौन है इंचार्ज? यहाँ के इंचार्ज तो सुशील जी है। जरा बुलाइए। ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ। सर यहाँ पे कितनी खुली अच्छी हवा ना, शहर की प्रदूषित हवा में रह के दम घुटता है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। काम धंधा छोड़ के यहीं पे तंबू गाड़ दो। सर मैं ही हूँ सुशील, इस ऑर्गेनिक फार्म का इंचार्ज हूँ सर। सुशील जी मैं एसीबी प्रद्युमन सीआईडी से। देखिए हम टीना को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। टीना को ढूंढने आए आप? जी हाँ। ये टीना का नाम सुन के आप इतने हड़बड़ा क्यों गए? क्योंकि वो 13 तारीख से गायब है, ना ही वो काम पे आई, ना ही उसका फोन आया, और ना ही वो अपने घर पे मिली। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था सर। टीना 13 तारीख से गायब है? हाँ सर। सुशील जी एक बात बताइए, क्या टीना यहाँ पर कोई खास सब्जियाँ उगाती थी दिवाकर जी के लिए? हाँ उगाती थी ना सर, आलू, प्याज, मेथी, पालक वगैरह वगैरह। और पत्ता गोभी? हाँ इस बार उसने पत्ता गोभी भी उगाई थी। पत्ता गोभी भी? हाँ सर,
उन्हें अपनी सब्जियों से बहुत लगाव था। वो किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती थी, पानी हो या खाद वो सब काम खुद ही करती थी। मतलब उनकी उगाई हुई सब्जी को कोई हाथ ही नहीं लगा सकता था। हाँ सर। सुशील जी, टीना के 13 तारीख को गायब होने से ठीक पहले क्या वो यहाँ आपके फार्म में से पत्ता गोभी लेकर गई थी? हाँ सर, वो कह रही थी उसे अपने चाचा जी के लिए सलाद बनाना है। देखा सर, टीना ने ही वो कीड़ा पत्ता गोभी में डाला होगा और सलाद बनाया होगा। कीड़ा? हाँ कीड़ा। कौन सा कीड़ा सर? बार्नेट ओहियो। बार्नेट ओहियो, आप तो जानते होंगे इस कीड़े के बारे में। हाँ सर, वो तो काफी खतरनाक किस्म का कीड़ा है। उसे तो हम कभी कभी लाते हैं सब्जी पर टेस्ट कराने के लिए सर। सुशील जी, इसी बार्नेट ओहियो कीड़े की वजह से दिवाकर की मौत हुई है, टीना के चाचा दिवाकर जी की मौत। सर ये क्या कह रहे हैं सर? टेस्ट करने के बाद हम उस कीड़े को नष्ट कर देते हैं, खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं सर। और टीना ने इस कीड़े को अपना हथियार बना लिया। क्या बता सकते हैं टीना इस वक्त कहाँ होगी? नहीं सर, टीना के बाहरी जिंदगी के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा सुशील जी, आपके यहाँ इतना सारा स्टाफ है तो क्या इनमें से कोई गायब है 13 तारीख से, जिस दिन टीना गायब हुई उस दिन से? सर जिस दिन से टीना मैडम काम पे नहीं आ रही है उस दिन से पवन भी काम पे नहीं आ रहा है। पवन? ये पवन क्या काम करता है यहाँ पर? सर स्पेसिमेन लैब से जो कीड़े और बीज आते हैं उसकी देखभाल करता है ये पवन। स्पेसिमेन लैब के कीड़े पौधों की देखभाल करता है ये पवन? इस पवन की सारे डिटेल्स चाहिए हमें, उसका पता, उसका टेलीफोन नंबर, सब कुछ। और निखिल सर, टेलीफोन कंपनी से टीना के सारे टेलीफोन रिकॉर्ड्स मंगवा लो और पता लगाओ उसका फोन बंद होने से पहले कहां पर था। सर मुझे तो लगता है कि टीना ने पवन को पैसे का लालच देकर खरीद लिया है और अपने इस जुर्म में अपना भागीदार बना लिया। पता नहीं कुछ लोग पैसों के चकाचौंध के आगे इतने अंधे कैसे हो जाते हैं कि सही गलत की समझ ही खो बैठते हैं। यही है ना पवन का घर? हाँ यही है। ये देखिए, टीना की तरह ये भी घर से भाग गया अपना बोरिया बिस्तर लेके। भाग तो गया है लेकिन कहां भागा है इसका सबूत जरूर अंदर छोड़ के गया। सर बड़ी जल्दी में भागा है, डर गया होगा कि सीआईडी किसी भी वक्त आती होगी। ये काम करते हैं, तुम लोग घर के अंदर तलाशी लो, मैं बाहर पूछता हूँ। भाई साहब, आप पवन को जानते हैं? आपका पड़ोसी? जी हाँ जानता हूँ, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, उसके घर का दरवाजा किसने खोला? मैंने ही खोला है, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी रहती है उसकी। आप कौन? मैं बंटी, उसका दोस्त। लेकिन कमाल है, वो अपने घर पर है नहीं, कुछ बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। अच्छा अच्छा, आप उसके दोस्त हैं? अच्छा हुआ आप आ गए। आज दोपहर को वो सामान बांधकर कहीं जा रहा था कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर सड़क पे गिर पड़ा। क्या? सड़क पर गिर गया? हाँ, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही वक्त पर वहां आ गया और मैंने उसे देख लिया, फिर मैंने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया आपने? सेवम हॉस्पिटल। मुझे देरी हो रही है, मैं निकलूं? जी जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। चलो अंदर। तो कुछ भी नहीं मिला सर, लेकिन पवन का पता चल गया, हमें सेवम हॉस्पिटल जाना होगा। क्या बात है, ऐसे आप लोग कैसे अंदर आ सकते? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपको दवाई देती है ना, आप जा सकते हैं। क्या बात है ऑफिसर? ये पवन नाम का मरीज कल आपके हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। जी हाँ, ये हमारे हॉस्पिटल में एडमिट तो था, मगर मगर क्या? मगर वो किसी को बिना बताए कहीं चला गया। किसी को बताए बिना चला गया? आप लोग ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते? सॉरी सर, गलती हो गई, मगर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसके शरीर में एक जीता जागता कीड़ा था। कमाल है, इसके भी शरीर में कीड़ा? जी हाँ सर, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता, इसलिए हम उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट ही करने वाले थे। इससे पहले हम कुछ करते हैं।
ऐसी नाजुक हालत में ये आदमी जा कहां सकता है? शायद वो स्पेसिमेंट लैब गया जहां से वो ऑर्गेनिक फार्म वाले कीड़े मनवाते हैं। एडवोकेट मकरंद, कई सालों से दिवाकर का लीगल एडवाइजर था ये। टीना ने जरूर दिवाकर के प्रॉपर्टी के बारे में फोन किए थे इसे। मुझे तो लगता है टीना ने दिवाकर जी को मारा है उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। टीना के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी ये तो अब मकरंद ही बताएगा। आप तो एसीपी प्रद्युमन है ना? और आप एडवोकेट मकरंद है ना? अरे सर, मैं आपके जितना नामचीन नहीं हूं तो फिर आपने मुझे पहचान कैसे लिया? बात यह है मकरंद जी कि आपकी गतिविधियों की वजह से आप हमसे भी नामचीन हैं। रुक। बस 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 बस, ज्यादा भागोगे तो कमर में दर्द हो जाएगा वकील साहब। एडवोकेट मकरंद, एक नामचीन वकील चूहे की तरह भाग रहा है, शोभा नहीं देता। अब इत्मीनान से हमारे सवालों का जवाब दो। देखिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहे हो? सर, आप लोगों को मतीश ने भेजा है ना? मतीश? ये मतीश कौन है? मतीश मेरा क्लाइंट। दरअसल मैंने सामने वाली पार्टी से पैसा ले लिया था और उसका केस हार गया था मैं, तो उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे इसके लिए जेल भिजवाएगा। वाह, लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय कानून का सौदा करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफ कर दीजिए मुझे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप। गलती हो गई? टीना क्यों आई थी तुम्हारे पास? टीना? हाँ टीना, दिवाकर जी की भतीजी, क्यों आई थी तुम्हारे पास? क्यों फोन किया था उसने? सर, उसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ लीगल एडवाइस चाहिए थी। दिवाकर जी की प्रॉपर्टी के बारे में है ना? हाँ सर, टीना जान चुकी थी कि दिवाकर ने उसके पिताजी को धोखा दिया और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है। इस काम में मैंने दिवाकर का साथ दिया था। ऐसे गंदे काम में तुमने साथ दिया? बेशर्मी की हद पार कर दी तुमने, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा मिल गई है सर इसके लिए मुझे। सर, मैंने जिंदगी भर बेईमानी की, लोगों को धोखा दिया, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी। सर, मुझे जानलेवा बीमारी है और मैं बहुत कम दिन जीऊंगा। बुरा बोगे तो बुरा ही पाओगे। ले जाओ इसे। सर, मतलब टीना ने अपने पिताजी की जायदाद वापस पाने के लिए दिवाकर जी का खून कर दिया? हाँ, लगता तो वैसा ही है। आ रजत। क्या दिवाकर को मारने के लिए टीना ने पैसे दिए थे विनय को? विनय, कॉन्ट्रैक्ट किलर विनय। मैं बहुत परेशान हूं। ये देखो, ये है विनय। इस शक्ल का आदमी जहां कहीं भी मिले उसे छोड़ना मत। अपने सभी आदमियों को इसके पीछे लगा दो, आकाश में ढूंढो या पाताल में, कहीं ना कहीं ये छुपा है। जाओ, अपने आदमियों को फैला दो, चारों तरफ फैला दो। बोलो क्या विनय की कोई खबर नहीं मिली? और कैसे खबरी हो तुम लोग? मैंने तुझे कहा था ना, आकाश में ढूंढो या पाताल में, मुझे विनय की खबर चाहिए। तुम लोगों ने मेरी नाक कटा दी, मेरे इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ढेचू, ढेचू नाम है मेरा, खबरियों का राजा ढेचू, और तुम लोग एक खबर नहीं निकाल पाए। चुप, खामोश। काम की तो किसी को पड़ी ही नहीं है, सब पेट भर के खाते हैं, सो जाते हैं। अरे की बोलो क्या चूना भट्टी? वेरी गुड, हम अपने सीआईडी टीम के साथ अभी आते हैं। यस सर। सर, हम लोग जेआरपी रोड पे हैं, स्पेसिमेन लैब जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पवन हॉस्पिटल से भाग के वहीं गया होगा। अच्छा, विनय का पता चल गया? ठीक है सर, हम लोग चूना भट्टी जाते हैं। सचिन, चूना भट्टी। आइए सर, आइए।
बोल बोल, कुछ खबर मिली बीने की? नहीं भाई, बीने की तो कोई भी खबर नहीं मिली। हाँ, उसका खास आदमी जग्गू मिला है, उस घर में रहता है। खबर पक्की है ना? फ्रेडी सर, आपकी खबर गलत हो सकती है, पर मेरे आदमियों के खबर पे आप एक उंगली भी नहीं उठा सकते। भाई मैं अब चलूं? ठीक है ठीक है। सुनो फ्रेडी सर, दिवाली का शगुन तो दे दो। हमेशा मैं ही मिलता हूँ। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। शुक्रिया साहब, चलता हूँ भाई। खुश रहो। कौन है यार? कौन है तुम लोग? हम बाराती हैं और तुम्हारी शादी में नाचने आए। क्या बाराती? ओ भाई, यहाँ पर किसी की शादी नहीं हो रही है, नाचने आए। कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं हो रही तो सीआईडी तुम्हारी शादी करवा देगी। सीआईडी? अरे साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? साहब क्यों अपने ससुराल वालों को देख के भागने क्यों लगा? बोल, विनय के लिए काम करता है या नहीं? बोल। हाँ साहब, विनय के लिए काम करता हूँ साहब। अब क्या करेगा साहब, पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो अपने पापी पेट को पालने के लिए कुछ भी करोगे? सुनो, अब तुम ही ले जाओगे हमें विनय तक। सर, मैं लोगों की सुपारी लेके उनको ऊपर पहुंचाता हूँ, गीजर या फ्रिज नहीं बेचता हूँ। अगर तेरे को डिस्काउंट चाहिए तो किसी और के पास जा। त्योहार का मौसम क्या आ गया, लोगों को हर चीज में डिस्काउंट चाहिए। अरे जग्गू, तू बड़े दिन बाद आया यार। कैसे है विनय भाई? बड़ा दुबला हो गया यार तू, कसरत असरत नहीं कर रहा क्या आजकल? चला बैठ, लस्सी अस्सी पी ले। नहीं नहीं ठीक है। तू इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं नहीं तो विनय भाई, आपसे एक काम था, एक मोटी पार्टी है, 50 पेटी देने को तैयार है सुपारी के लिए। 50 पेटी? मारना किसको है? हाँ ये फोटो है इसमें। ये क्या भाई आदमा जाके मेरी फोटो मुझे दे रहा है? तू लोगों की सुपारी लेता है और हम तुझ जैसे मुजरिमों का पूरा पान चबा जाते हैं। मेरे साथ गद्दारी, इसकी सजा तेरे को भुगतनी पड़ेगी। बोल डाले इन सबको। टीना आई थी ना तेरे पास? हाँ, टीना मेरे पास आई थी दिवाकर की सुपारी लेके, और मैंने दिवाकर पर हमला भी किया था। अब तेरा पापों का हिसाब देने का वक्त आ गया। चल चल। जी कहिए। देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी से क्या बात है सर? देखिए हम इस आदमी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इसका नाम है पवन, क्या ये आपके पास आया था? जी सर, ये आया था यहाँ। इसकी हालत बहुत खराब थी सर, ये लैब में आते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग इसको किसी तरह होश में ले आए, और फिर ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। अजीब हरकतें मतलब? ये कहने लगा कि मेरी मदद कीजिए, देखिए ना मेरे शरीर में ये खतरनाक कीड़ा है। मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो, प्लीज बचा लीजिए मुझे। अरे भाई तुम समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ छोटे छोटे जीव जीवाणु और पौधों पर रिसर्च करता हूँ, मैं लोगों का इलाज नहीं करता। देखिए आप मुझे बचाएंगे तो मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। अरे मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? कोई आगे नहीं आएगा, मार दूंगा इसको। तू मुझे बचाएगा, मैं तो तुझे मार दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। एक मिनट, अरे रजत वो इंजेक्शन ले आना, जल्दी करो
जल्दी जल्दी लो। भाई एक मिनट एक मिनट, इस इंजेक्शन से मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या हो रहा है? तो आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया? हमने खबर कर दी है, एम्बुलेंस बस आती ही होगी। इस वक्त कौन कहाँ है? इसको हमने एक कमरे में रखा है। चलिए जरा दिखाइए प्लीज। आइए मेरे साथ। पवन 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 क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? आगे मत बढ़ना। पवन देखो मेरी बात सुनो, हम लोग सीआईडी से हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं मरना नहीं चाहता। पवन मैं मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे पवन। कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। शांत हो जाओ पहले। बता क्यों भागे तुम हॉस्पिटल से? क्यों भागे? मैं जिंदा रहना चाहता, मुझे मरना नहीं। नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। अब बताओ वो कीड़े तुमने लिए थे टीना को सैलेड में डालने के लिए? मैंने दिए थे। कहाँ है टीना? कहाँ है बताओ? पवन कहाँ है? पवन क्या हो रहा है तुम्हें? पवन 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 सर ये तो अपनी जेब की तरफ इशारा कर रहा है। देखो सर। कैब कंपनी टैक्सी की रिसीट। पवन क्या ये? माय गॉड ये क्या? इसके शरीर में वही कीड़ा रेंग रहा है। पवन सनी तो मर गया। माय गॉड क्या कहना चाहता था ये इस रिसीट के बारे में? कैब कंपनी, इस केस का अगला सुराग अब इसी टैक्सी कंपनी के रिसीट से मिलेगा। हेलो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? सर आप लोगों को टैक्सी चाहिए थी तो फोन कर देते, यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? अरे नहीं नहीं हमें टैक्सी की जरूरत नहीं है, बस कुछ पूछना है आपसे। ये आपकी कंपनी की स्लिप है। पवन नाम के एक आदमी ने एक टैक्सी बुक कराई थी, हमें उसके ड्राइवर का पता चाहिए। एक मिनट सर मैं भी चेक करता हूँ। हाँ सर मोहन ले गया था इन्हें। मोहन अभी कहाँ है? मोहन यही है सर, बस अभी 10 मिनट पहले लौटा है। जरा बुलाओ उसे। हेलो जरा मोहन को अंदर भेजना। सर जी आधा घंटा आराम तो कर लेने देते, अब कहाँ भेज रहे हैं मुझे? जाना कहीं नहीं है, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम लोग क्या मेरे सगे संबंधी हो जो मैं तुम लोगों से बात करूंगा? तमीज से बात करो। हम लोग सीआईडी से कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। सीआईडी? साहब मुझसे कोई गलती हो गई क्या, या किसी पैसेंजर ने मेरी टैक्सी तेज चलाने की शिकायत की है? ऐसी कोई बात नहीं है। इस आदमी को देखो और बताओ क्या ये आदमी 14 तारीख को तुम्हारे टैक्सी में बैठा था? नहीं बैठा था साहब, लेकिन बहुत अजीब सा आदमी था साहब। उसने टैक्सी मंगाई तो सही लेकिन टैक्सी में बैठा नहीं, इसकी जगह तो मेम साहब हमारी टैक्सी में बैठी थी। सर हो सकता है पवन ने वो टैक्सी उन दोनों औरतों के लिए मंगाई है। तो फिर तुमने उन दो औरतों को अच्छी तरह से देखा होगा, कैसे दिखती थी वो? नहीं साहब, दोनों ने अपना मुंह दुपट्टे से ढक के रखा था, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। मगर उनकी बातें तो सुनी होंगी, वो दो औरतें टैक्सी में बैठकर कुछ बातें तो जरूर करती होंगी, है ना? नहीं साहब, दोनों बड़ी अजीब औरतें थी, पूरे रास्ते के दौरान दोनों ने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला। अच्छा उतारा कहाँ उन्हें तुमने? सर भृगू मार्ग। भृगू मार्ग? सर वो औरतें ऐसी सुनसान जगह किससे मिलने आई होंगी? जगह सुनसान तो है लेकिन काफी सारे बंगले हैं, इन्हीं में से किसी में आई होंगी। यहाँ पे ज्यादातर बंगले खाली हैं, इन्वेस्टर्स ने खरीद के रखे हुए हैं, कोई रहता नहीं है यहाँ पे। और एक सुनसान घर से अच्छी जगह एक मुजरिम के लिए हो नहीं सकती। करेक्ट, एक एक बंगले को अच्छी तरह से चेक करो,
इस दिवाकर के खून की गुत्थी वो दो औरतें सो जाएंगी। देखो जरा सर, अभी आखिरी बंगला बचा है, अगर यहाँ भी वो दो औरतें नहीं हुई तो हमारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। सीआईडी के अरमान इतने कमजोर नहीं है कि इतनी जल्दी धाराशाही हो जाए। देखते हैं कोई चल क्या। बस दरवाजा अंदर से बंद है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी तुम्हारी, मार डालूंगी मैं आज तुम्हें। अपने भगवान को याद कर ले क्योंकि आज तू उसी के पास जाने वाली है। सर सर अच्छा आप लोग आ गए। सर देखिए ये टीना पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया। सर मुझे मार देना चाहते हैं, प्लीज मुझे बचाइए सर। मार डालूंगी मैं आज उसे। सर दुनिया की आज कोई नाक नहीं बचा सकती, तुम सीआईडी वाले भी नहीं। बेवकूफी मत करो, घर नीचे करो। तुम मेरे मामले से दूर रहो, तुम्हें अगर बीच में आए तो बेवजह तुम भी गोली खाओगे। चलाओ गोली, हम गोलियों से नहीं डरते। लेकिन ये डरती है। मुरट जाओ, मेरे साथ नहीं आना, पीछे बिल्कुल पीछे। टीना बात सुनो, अगर उसने गोली खाई उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे, मैं नहीं। सर, चल सर प्लीज, चल 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 जल्दी मार दूंगी मैं इसको। टीना नहीं, तुम जानती ना तुम क्या कर रही हो। टीना ये सब तुम्हें फांसी तक ले जाएगा। चल गाड़ी में हमारी बात, गाड़ी चला। टीना तुम ठीक नहीं कर रही हो, बिल्कुल पीछे गाड़ी चला। टीना गाड़ी चला। टीना टीना प्लीज कुछ नहीं, जल्दी चला। हमें जल्दी से गाड़ी निकालनी होगी। टीना प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, माँ के साथ भला कोई ऐसा करता है क्या। गाड़ी चला दो, तेज चलाओ। तो लगता है टीना पमेला जी से जानबूझ के गाड़ी तेज चलवा रही है ताकि हम लोग उसे ओवरटेक ना कर सके। गाड़ी भगा भगा के वो जाएगी कहाँ। चलो से सर, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहती सर प्लीज। बहुत हुआ पकड़म पकड़ाई का खेल, जेल चले प्लीज इसे जेल में डाल दीजिए। पहले इसने दिवाकर का खून किया और अब मेरा खून करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। सर ये क्या हो रहा है मुझे। टीना सर, सर प्लीज मुझे मत, सर निकल पानी लियो जल्दी। टीना क्या हो, क्या रहा है तुम्हें। सर 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 ये तो शायद वही कीड़ा, इसे हॉस्पिटल ले चल। कोई फायदा नहीं, शी इज डेड। शायद भगवान ने इसके कर्मों की सजा इसे दे दी, अपनी बेटी से बढ़कर माना था इसे और इसने इसने क्या सिला दिया हमें। आप इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं मुझे। शुक्र मानो कि सिर्फ देख रहा हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई आदमी होता ना तो उसके चेहरे का नक्शा बदल दिया होता अब तक। सर ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप मुझसे। उसी तरीके से जैसे एक मुजरिम के साथ करनी चाहिए। टीना के शरीर पर लगे चोट के निशान, रस्सियों के निशान इस बात का सबूत है कि असली मुजरिम वो नहीं आप हैं। सर ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो सरासर गलत है। आप लोग तो गवाह हैं, इसने खुद कलपट्टी में मेरे बंदूक तानी थी सर, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा था सर। हाँ इसने गन तानी थी गुस्से की आग में, क्योंकि दिवाकर का खून तुमने किया है, तुमने कुछ कहना। अरे आंटी जी, अरे आंटी जी, अरे रुक जाइए कहाँ भाग रही है, रास्ता सीधा सीधा है और आपके पैर में इतनी ताकत नहीं है कि सीआईडी तक आप भाग सके। रुक जाइए रुक जाइए चले। हाँ दिवाकर का खून मैंने ही किया था,
क्योंकि मैं उनकी बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से परेशान हो चुकी थी। सबका जीना हराम कर दिया था उसने। खाने को 10-10 बार चेक करते थे कि खाना साफ तो है, कुछ मिला तो नहीं है उसमें। रात को 12 बजे 2 बजे उठ के देखते थे चद्दर को कि ठीक से धुली है कि नहीं, मैल तो नहीं है उसमें। टाइल्स को सूंघते थे कहीं उसमें से बदबू तो नहीं आ रही है। सर आप लोग ही बताइए, ऐसे आदमी के साथ भला कोई कैसे रह सकता है। वाह क्या बात। तो आपके हिसाब से किसी अपने को कोई बीमारी हो जाए तो उसे जान से मार देना चाहिए है? मुझे यही ठीक लगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी। तो फिर और क्या बात थी? वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी टीना के नाम कर देना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि दिवाकर भी कोई संत महात्मा आदमी नहीं था। खून किया था उन्होंने, खून। टीना के पिता का खून किया था। टीना के पिता का खून? जी। और ये जितने भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जायदाद है, सारी टीना के पिता की है। धीरे धीरे उनको टीना से लगाव होने लगा, फिर उन्हें अपने गुनाह पर पश्चाताप होने लगा और उन्होंने सोच लिया कि सारी प्रॉपर्टी वो टीना के नाम कर देंगे। और आप अपनी आंखों के सामने से करोड़ों की जायदाद जाते हुए देख नहीं पाई। हाँ, और इसलिए मैंने प्लान बनाया। मैंने टीना से ब्लैंक चेक पर साइन करवाए और फिर विनय से टीना बनकर मिली और उसे दिवाकर को मारने की सुपारी दी। उसके बाद पवन को पैसों का लालच देकर वो जहरीला कीड़ा उनके खाने में मिलवाकर उन्हें मरवा डाला। तुमने सीआईडी को इस केस में शामिल क्यों किया? इतना सब करने के बाद मैं फंसना नहीं चाहती थी। दिवाकर का खून करके मैं टीना को फंसाना चाहती थी और फिर टीना को गुंडों से अगवा करवा दिया। और आप लोगों को फोन मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग मुझ पर शक न करें और आप लोगों को ये लगे कि टीना ने अपने चाचा का खून किया है और वो भाग गई घर से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने ऐशो आराम के लिए तुमने अपने ही पति, अपनी भतीजी का खून किया। तुमने उस पवन का भी खून किया जिसने तुम्हारे इस गंदे प्लान में तुम्हारा साथ दिया। फांसी, फांसी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।